टेंथ क्लास बेटे 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां करवा रही हूँ बेटा। यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8 तो ये हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ये हमें निकालना है। पहले मैंने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बी कोण ले लिया और क्या दिया, कॉट थीटा बराबर है 7/8। कॉट होता है टेन का उल्ट और टेन क्या होता है पी बटा बी, तो उसका उल्ट क्या होगा बी बटा पी, मतलब बी हो गया हमारे पास 7, बेस 7 हो गया, पी पर पांडिकुल कितना हो गया 8, मतलब लंब हो गया, ये हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच देखो कितना है एसी, वो निकालना है, पी हमें दिया है 8 और बी हमें दिया है 7, 8 का स्क्वायर 2 8 64 और 7 का स्क्वायर 49 आ गया, इन दोनों को प्लस किया कितना आया 113, एसी स्क्वायर हमारे पास 113 आ गया। तो एसी निकालना होगा, स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा रूट, एक रूट 113। और हमें क्या क्या चाहिए था देखिए क्वेश्चन में, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं साइन थीटा निकालने जा रही हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बटा एच, पी कितना है भाई 8 और एच कितना है रूट 113। ऐसे कॉस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, बी बटा एच, बी कितना है 7 और एच कितना है रूट 113। और हम जो हमें निकालने को बोला उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया 8/√113, 1 माइनस 8/√113, 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7/√113, 1 माइनस 7/√113। अब बेटे यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रही हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखो कैसे लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए सेम है 1, बी कितना है यहाँ पे 8/√113, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8/√113 का स्क्वायर, बटा नीचे भी यही फॉर्मूला लगा, ए का स्क्वायर 1 का माइनस बी का स्क्वायर 7/√113 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर मीन 1 को 1 से गुना करोगे, 1 ही आना है, और माइनस 8 का स्क्वायर मीन 2 8 64, और नीचे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए 113 बचा। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 आया, माइनस 7 का स्क्वायर 49 आ गया और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए 113 आ गया। अब मैं लघुत्तम ले रही हूँ 113, 113 इधर जाएगा, 113 माइनस 64/113, और नीचे भी लघुत्तम लेंगे 113 माइनस 49/113, इसमें से 64 माइनस किया कितना है 49/113, इसमें से 49 माइनस के 64 आ गए 113। अब ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, ये क्या आएगा 49/113 मल्टीप्लाई उल्टा होगा 113/64, 113 से 113 कैंसिल हो गए, बचा क्या 49/64। दूसरा पार्ट हमें जो निकालना था वो था कॉट स्क्वायर थीटा, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा मीन कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा में क्वेश्चन में दिया था वो कितना था 7/8, 7/8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होगा 7 2 7 49 आ गया, 7 7 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 64, तो 4 ये सेम आ गया 49/64। हाँ जी बेटे नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखिए, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। बेटे मैंने बना लिया एक त्रिभुज बना लिया, समकोण बी दे दिया यहाँ पे ना, कॉट 3 कॉट ए 4 के बराबर है तो कॉट ए कितना आएगा 4/3, वे होता है कॉट होता है टेन कोल्ट, पी बटा बी कोल्ट क्या होगा बी बटा पी, बी आ गया 4 और पी कितना हो गया 3, और ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच हमारे पास है निकालना है, एसी आ गया एसी स्क्वायर, पी 3 था और बी 4 था, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितने हुए 25, अब एसी बराबर √25 मीन जोड़े बनाए इसका 5 आ गया। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, एक देखो टैन ए चाहिए, एक कॉस ए और साइन ए। पहले मुझे टैन ए निकालना है, टैन ए का फॉर्मूला क्या था पी बटा बी, पी कितना है 3 और बी कितना है 4, 3/4। इससे साइन ए निकालना है, वो होता है पी बटा एच, पी कितना है 3 और एच कितना है 5। कॉस ए निकालना है बी बटा एच, बी कितना है 4 और एच कितना है 5। ये हमने सब निकाल के रख लिया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ बेटे, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन ए देखो मैंने कितना निकाला था 3/4, इसकी जगह पे 3/4 लिख देंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर भी है ना टैन ए का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस ये तो 1 माइनस, वैसे 3 का स्क्वायर कितना हो 9 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 4 चुके 16, 9/16। इस तरह से नीचे भी 1 प्लस 9/16 लघुत्तम लो, 16 लघुत्तम है, 16 माइनस 9/16 और नीचे किया 16 प्लस 9/16,
ये 16 में से 9 गए 7/16, 16 और 9 कितने 25/16, ऊपर जाके उल्टा होएगा 7/16 गुना 16/25, 16 से 16 कट गया बचा 7/25। अब हम बेटे राइट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली थी 4/5, उसका स्क्वायर आ गया, माइनस साइन ए की निकाली थी 3/5, उसका स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर 4 × 16 और 5 का स्क्वायर 5×25, माइनस 3 का स्क्वायर 3×3 9 और 5 का स्क्वायर 5×25, एलसीएम लेंगे 25 आ गया। 16 - 9, 16 में से 9 गए 7, 7/25, लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आई थी, राइट हैंड साइड भी आ गई, दोनों बराबर आ गए और ये हमारा सॉल्व हो गया।